वी आर लाइव नाउ, वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि प्लीज सर कक्षा 9 की संस्कृत के सेट नंबर बी का फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिए। एंड फाइनली जब मैं इस पे काम करना स्टार्ट किया तो मैं देखा कि कौन से लोग किस प्रकार से सोल्यूशन देते हैं ताकि उनसे बेहतर में दे पाऊं। और जब मैंने सर्च किया तो मुझे कक्षा 9 के संस्कृत के सेट नंबर बी का सोल्यूशन मिला ही नहीं, ना तो फुल सोल्यूशन का वीडियो, ना तो ऑब्जेक्टिव टाइप का वीडियो, मतलब कोई भी वीडियोस देखने को नहीं मिला। एंड फाइनली उसी वक्त मैंने ठान लिया कि अब दूंगा मैं बेहतरीन और यूनिक कंटेंट ताकि बच्चों को हेल्प हो सके। इस वीडियो में मैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक के संपूर्ण उत्तर को कवर करूंगा, इसीलिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। अगर आप वीडियो को दिल से लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा। आपको पता है आप जो वीडियो 10 से 15 मिनट का देख रहे हैं ना, उसके पीछे 6 से 7 घंटे की मेहनत होती है 100% एक्यूरेट आंसर फाइंड करने में। क्योंकि यार देखो, संस्कृत तो मैं भी 10वीं से पढ़ना छोड़ दिया था तो संस्कृत में उतनी अच्छी पकड़ नहीं है मेरी, ठीक है ना, तो संस्कृत मेरे से उतना अच्छा पढ़ाते आता है ना, तो उसका आंसर मैं बता पाता हूँ। हाँ, कुछ कुछ की बात अलग है, जिस प्रकार से मैं सोशल साइंस का तुम कोई भी क्वेश्चन ला दो तुरंत आंसर बताएंगे, है ना, ऐसे हिंदी का कुछ भी पूछ लो तुरंत बताएंगे क्योंकि उसमें अपन पढ़े हैं, उसको अभी भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन संस्कृत से ऐसा कोई ताल्लुकात रहता नहीं है, इसलिए मुझे 6 से 7 घंटे का समय लगा है। लेकिन फाइनली अब वीडियो तुम्हारे सामने आ चुका है तो फटाफट आप वीडियो को देख लीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा, आपका ही फर्ज बनता है और आपको भी पता है कि मिडिल एजुकेशन आपके लिए कितना हेल्प या फिर कितना मेहनत करता है। ये सब आप जानते हो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप मान ले तो रात दिन मेहनत करते हो, खाना पीना सोना छोड़ देते हो, और बिल्कुल सत्य है। चलो अब हम स्टार्ट करें। तो देखो कक्षा 9 के संस्कृत का जो पेपर है वो 75 नंबर का रहेगा, समय मिलेंगे आपको 3 घंटे। निर्देश में कहता है सर्व प्रश्न अनिवार्य सन्ति, मतलब सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। प्रश्न नाम सम्मुखे अंक प्रदत्ता, मतलब कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा इसके सामने दिया गया है। सर्वेशा प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत नैव लिखनीयम, मतलब सभी प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत भाषा में ही लिखना है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है उचित विकल्प चित्तो लिखत, उचित विकल्प का चयन करके लिखो। पहला नंबर कहता है बालका शब्दस्य पंचमी विभक्ति एकवचनम रूपम अस्ति, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बालकात, अर्थात ऑप्शन नंबर 12। फल शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचनम रूपम किम, तो फल का हो जाएगा आपका फलानी, अर्थात ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट कहता है लता शब्दस्य सप्तमी विभक्ति द्विवचनम रूपम किम, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लतायो, लतायो अर्थात ऑप्शन नंबर द। चौथा नंबर कहता है राम शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रामेण, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट कहता है गजा सनह सनह चलती इत्यस्मिन वाक्य अव्यय पद अस्ति, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इसमें अव्यय सनह सनह, ये भी कंप्लीट होता है, सनह सनह मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है छठवां नंबर तंडुलानी माँ माँ भक्षय इत्यस्मिन वाक्य अव्यय पद अस्ति, मतलब इसमें अव्यय क्या है, तो इसमें आपका अव्यय हो जाएगा भक्षय, ठीक, इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि उचितम विकल्पम चित्तो रिक्त स्थानेन पूर्यत, मतलब उचित विकल्प का चयन करके आपको रिक्त स्थान भरना है। पहला नंबर कहता है पठ धातो लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचनम रूपम डैश डैश अस्ति, तो यहां पर आपको पठामा लिखना है। नेक्स्ट कहता है गम धातो लोट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचन रूपम डैश डैश अस्ति, तो यहां पर आपको गच्छतो लिखना है। नेक्स्ट कहता है लिख धातो लट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य द्विवचनस्य रूपम डैश डैश भवति, तो यहां पर आपको लिखना है लेखिपस्य, इसका लिखित आंसर दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट कहता है हस धातो लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचनम रूपम, तो यहां पर आपको अहसन लिखना है, अहसन भवति, और अधिक्षिपति इति पदो डैश डैश उपसर्ग अस्ति, तो इसमें अधि हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा है संस्कृति इति पद डैश डैश उपसर्ग अस्ति, तो यहाँ पर आपका संस हो जाएगा। मैं आंसर दिखाता हूँ कैसे, देखो बेटा ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर आगे के आंसर्स को दिखाएंगे। अच्छा इतना ही नहीं, जो आंसर आप देख रहे हैं ना इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकती हैं, पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए जाइए और जल्दी से डाउनलोड कीजिए। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 3 शुद्ध वाक्य समक्ष आम अशुद्ध वाक्य समक्ष ना इत लिखत, मतलब सही वाक्य का चयन करके आपको आम लिखना है और अशुद्ध का ना लिखना है। पहला नंबर कहता है त्रिलोकी इति पदे द्विगु समास अस्ति, तो त्रिलोकी में क्या द्विगु समास है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है विद्याया अभ्यास इति पद से समस्त पदम विद्याभ्यास भवति, तो यहाँ पर आपको आम लिखना है। नेक्स्ट कहता है गुरुग्रहम इति पद अव्यय भाव समासः अस्ति, तो गुरुग्रहम आपका बिल्कुल हो जाएगा, आम लिखना है।
नेक्स्ट कहता है देवालय इति पदे यण संधि अस्ति, तो देवालय में क्या यण संधि है, तो यहाँ पर ना लिखना है। नेक्स्ट कहता है प्रत्येकम इति पदे गुण संधि अस्ति, तो यहाँ पर आपको ना लिखना है। और नेक्स्ट लिखता है भवनम इति पदे अयादि संधि अस्ति, तो यहाँ पर आम लिखना है। तो इस प्रकार से पहला दूसरा तीसरा आम और आपका छठवां आम, बाकी ये दोनों ना हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक चार उचित मिलनम कुरत, उचित मिल का उचित मिल आपको करना है। पहले कहता है वक्ताव्यम, तो यहाँ पर आपको लिखना है तव्यम, ठीक तव्यम आपका हो जाएगा ये वाला तव्यम। नेक्स्ट कहता है मामा माता माता अधिसति, तो इसका हो जाएगा आपका पुत्रिम। नेक्स्ट कहता है मना भवति, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अन्नमयः। नेक्स्ट कहता है श्रुतुम सॉरी श्रुत्वा, तो श्रुत्वा में आपको हो जाएगा कत्व, कत्व प्रत्यय है। नेक्स्ट कहता है आर्षा वाचनम, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋषि वाचनम। नेक्स्ट कहता है दुग्धम, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अपोमयम, ठीक। तो इस प्रकार से भी कंप्लीट होता है। अच्छा इनका आंसर देख लो, सबसे पहले देख लो सत्य और असत्य का, आम ना का, इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं उचित मिलनम कुरत, ये रहे आंसर्स पूरे पूरे, ठीक। चलिए साइड करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है तोरमाण व्यस्ता अनियोपाधियो विशेषम पदम किम, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर व्यस्ता हो जाएगा ये अंतिम वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है गुण युक्त दरिद्रता अनियोपाधियो विशेष पदमस्ति, तो आपका गुण हो जाएगा यहाँ पर। निरसा इत्यादि विलोम विलोम पदम लिखा थे, निरसा निरसा का सहसा हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है अनाधितम इति विलोम पदम अस्ति, तो अनाधितम को अधिकृतम हो जाएगा, बाकी इसका सही आंसर नहीं पता इसलिए इसे स्किप कर रहे हैं, ठीक है, बस एक ही आंसर छूटा है। नेक्स्ट कहता है सरस्वती इति पद से पर्य पदम अस्ति, तो सरस्वती का हो जाएगा बाणी। नेक्स्ट कहता है पतंग सप्तमः इति इति पदस्थ पर्यापदम लिखत पर्यापदम, तो हो जाएगा पक्षी श्रेष्ठ, ठीक। तो इस प्रकार से देख लो ये पूरा 100% सही और एक्यूरेट आंसर आपके सामने अवेलेबल है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के आगे के आंसर्स को कवर करेंगे। बढ़िया बकायदे इंड तक बने रहना, बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए हमारा प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है अधोलिखित प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, और यहाँ पे लिखा है कि अस्माभि पर्यावरणस्य रक्षा कथम करणीयम, एंड अथम कहता है कि जटायु रावणा की कथ्यति, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं ऊपर वाला, ये रहा आपको लिखना है अस्माभि पर्यावरणस्य रक्षा कथा करणीया, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है, ठीक है। सॉरी ये तो क्वेश्चन था, ये रहा इसका आंसर, ठीक। तो ये आपको लिखना है, चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, संस्कृत है, मैं पढ़ के नहीं बता सकता हूँ, इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि आपको पता है कि संस्कृत में हालत बहुत गंभीर है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट सातवां नंबर कहता है बालिका की दृष्टवा आश्चर्यचकित जाता है, ठीक है, प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न यहाँ से भी आप देख सकते हैं, एंड इसका ये रहा आंसर आपको ये लिखना है बालिका वृक्षस्य उपरी स्वर्णमय प्रसादम दृष्टवा आश्चर्यचकित जाता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आठवां नंबर क्या कह रहा है, आठवां नंबर कहता है मांस पर्यंत धेनु अदोहनस्य की करणात मसात, ये प्रश्न पूछा गया, देख लो यहाँ पे, एंड इसका आंसर ये रहा आपके सामने, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक, इसका उत्तर आपको लिखना है। आगे बढ़ते नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 9, नवा नंबर क्या कहता है सरोवरणा हानि कदा भवती, ये प्रश्न पूछा गया, देख सकते हैं, एंड ये रहा इसका आंसर, तो प्लीज आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है कि अंते तपोदत्त विद्या ग्रहण से कुत्र गता, तो ये प्रश्न आपका रहा, ठीक है, एंड ये रहा इसका आंसर, ये आंसर आपको लिखना है। चलिए इसे साइड करते हैं, नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 11 नंबर, 11 नंबर कहता है कि स्थूल पदानिधिकृत प्रश्न निर्माण कुरत के और केचति द्वय, अब आपको सिंपल सा कोई दो का प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। यहाँ पर चटका वाला दिया है और वाणिका वाला दिया है और एक क्या दिया है तदोत्तत्व वाला, ठीक है। तो आइए हम दिखाते हैं चटका और तदोत्तत्व वाला, ठीक, तो चटका वाला एक सेकंड दिखा देता हूँ, चटका ये देखो आठवें नंबर में चटका दिया है और नवे नंबर में आपको तदोदत्त दिया है, लेकिन ध्यान देना कि तदोदत्त वाला थोड़ी डिफरेंस है, ठीक है, इसमें देख लो तदोदत्त कुंडवा दिया है और यहाँ पर कुछ अलग दिया है, ठीक। तो चटका वाला देख लो, इसका सही उत्तर आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे ये लिखा है तो वहाँ पे कश्मीर हो जाएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या कहता है, तदोदत्त दिया है, तो इसका सही आंसर आपको तदोदत्त का तदोदत्त लिखना है भाई, ठीक है, सेम उतार देना, बाकी दूसरे वाले का ये वाला सेम टू सेम उतार देना। चलिए इस प्रकार से भी कंप्लीट होता है, ठीक है, आगे बढ़ते नहीं समझे, अरे भाई देखो चटका वाला जो है तो चटका वाला उत्तर क्या लिख दोगे, आठ वाला लिख दोगे, बोलो हाँ। और जो आपका ये है तपोदत्ता वाला है, जो पूरा प्रश्न पूछा है इसको पूरा सेम उतार देना है, क्योंकि तपोदत्ता से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, यदि आपको बनाना है तो यहाँ पर आप कहा लिख सकते हो, बाकी देखो कोई क्वेश्चन नहीं बना। नवा नंबर देखो और इसका उत्तर देखो सेम है,
है ना, इसलिए बोल रहा हूं आपको सेम टू सेम उतार देना है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर कहता है अधो लिखतानी वाक्यनी कह काम प्रतिकथ्यति। आपको कह और काम में वाक्य को लिखना है। वाक्य देखो भो महाशय वाला है, पुत्र के वाला है और धन्यवाद वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको पुत्र के और धन्यवाद वाला, ये वाला दूसरा और तीसरा का उत्तर दिखाने वाले हैं। देखो ये रहा पुत्र के वाला और ये धन्यवाद वाला है, पुत्र के वाला, ठीक है। तीन और चार नंबर में तो ये रहा तीन और चार का उत्तर, ठीक। ये रहा तीन का उत्तर क्या हो जाएगा, कह के नीचे क्या होगा देख लो, तीन नंबर में और चार नंबर में देख लो, और ये रहा इसका पूरा पूरा उत्तर। समझ गए, चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 13, 13वां नंबर कहता है कि वाच्य परिवर्तनम कुरत कोऽपि द्वये। अब हमें वाच्य बदलना है। यहाँ पर हमारा पहला नंबर कहता है कि बालकः पाठम पठति, इसमें इसको बनाना है कर्मवाच्य में। नेक्स्ट कहता है बालिकाय चित्रम दृश्यन्ते, तो इसको बताना है कृतवाच्य में। तो इसका आंसर ये रहा आपके सामने, ठीक। ये रहा आपके सामने 13वें नंबर का उत्तर, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, आपको यही लिखना है। चलिए साइड करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि प्रश्न पत्रे समागत श्लोक विहाय स्वपाठ्य पुस्तकाय श्लोक में काय एकम लिखत। मतलब आपको अपने प्रश्न पत्र से एक श्लोक को लिखना, सॉरी अपने पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक को लिखना जो प्रश्न पत्र में नहीं आया है, और ये रहा आपके सामने श्लोक। देखो प्रिय वाक प्रदानिन सर्वः तुष्यन्ति जन्तवः और तदमस्य तदेव वक्तव्यम वचने की दरिद्रता। बस इतना लिख के कंप्लीट करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। आगे बढ़ते 15 नंबर कहता है अधोलिखित तो वाक्य ने शुद्ध कुरत, मतलब जो वाक्य लिखा गया है उसको शुद्ध करना है, ठीक। ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट कहता है गुरु नमः, तो ये हो जाएगा गुरुवे नमः। नेक्स्ट कहता है रामः ग्राम गच्छस, इसको हटाते हैं। अंतिम वाला देख लेते हैं छात्रा पाठम पठति, तो छात्रा पाठान पठती, ये हो जाएगा पठंती हो जाएगा। ये रहा 15 नंबर का उत्तर, आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा प्रश्न क्रमांक 16 नंबर कहता है कि प्रदत्त शब्द रिक्त स्थान पूर्यत, मतलब आपको इन शब्द का रिक्त स्थान भरना है। मना डैश डैश भवति, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अन्यन माया। नेक्स्ट कहता है नद्या डैश डैश निरसंती, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पर्वतात। नेक्स्ट कहता है तुला डैश डैश आशति आसीत, तो यहाँ पर हो जाएगा लौहघटता। नेक्स्ट कहता है जटायु डैश डैश बाम बाहु दसंती, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तुंडेन। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है कि इस वाक्य को घटना के क्रम के अनुसार जमाना है, ठीक है। और इस वाक्य को चलिए हम जमाना स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर में आपका गा वाला हो जाएगा, दूसरे नंबर में आपका पहले नंबर में आपका घा वाला हो जाएगा, दूसरे नंबर में आपका हो जाएगा नेक्स्ट ये वाला खा वाला, तीसरे में ये और चौथे में ये। इस प्रकार से आपको वाक्य को अरेंज करना है। ध्यान से देख लो, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर कहता है अधोलिखितेषु गद्यांश गद्यमेकस्य प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। मतलब गद्यांश को पढ़ना है और इसका उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देना है। ये गद्यांश को देख लो, तस्मिन वाला, और इसके अथवा में एक और दिया गया है, हम आपको उत्तर बताएंगे ऊपर वाला, ठीक। जो पहला नंबर का प्रश्न पूछा है स्वर्ण काकस्य रहस्य का ज्ञानवती, तो इसका आंसर का से स्टार्ट करना है और जाकर के ज्ञानवती तक कंप्लीट करना है। सेकंड नंबर देख लेते हैं, भो नीचि काकः इति का प्रवचित, तो इसका आंसर आपको स्टार्ट करना है, एक सेकंड रुकना जरा, यहाँ से प्रातः से स्टार्ट करना है और आकर के नीच काकः तक कंप्लीट करना है। तस्य स्वस्तु का कथम नियुक्ति, तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से सूर्य तापेस लेकर के और नियुक्त तक लिख के कंप्लीट करेंगे। इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ, ये रहा हमारे सामने पूरा का पूरा लिखा है, आप सेम टू सेम इसे भी उतार सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइड करते हैं, नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक हमारा 19 नंबर कहता है अधो लिखते सु पद्यांश पठित्व प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। अब आपको पद्यांश को पढ़ना है और संस्कृत भाषा में इसका उत्तर देना है। पद्यांश देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है अधो लिखते सु पद्यांश, ये सब लिखा गया है। तो आइए पद्यांश का उत्तर सीधे हम दिखाते हैं अपने किताब के थ्रू। हम आपको दिखाएंगे अथवा वाला प्रिय वाक्य वाला, ठीक है, और ऊपर वाला आपको नहीं दिखाएंगे। तो ये रहा भाई प्रिय वाक्य वाला, ये रहा प्रश्न और ये रहा इसका उत्तर। पहले का उत्तर हो जाएगा प्रिय वक्तव्यम, दूसरे का उत्तर हो जाएगा प्रिय वाक्य प्रदानी जनतवा तुष्यंती, और तीसरे को हो जाएगा पंचमी भक्ति एक वचनम, ठीक। सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा है ना, एक बार देख लेते हैं। वक्तव्यम इति पदे का प्रत्यय, नहीं बेटा प्रश्न अलग है, ठीक। सर्वे जनतवा कुत्र दरिद्र भवति, ठीक है, प्रश्न अलग है, कोई दिक्कत नहीं, हम यही बताते हैं। वक्तव्यम इति पदे का प्रत्यय, तो वक्तव्य में तव्यम प्रत्यय हो जाएगा, तो तव्यम लिख देना है। सर्व जनतवा केन दुष्यंती, तो इसका हो जाएगा ये प्रिय वाक्यन सर्व दुष्यंती, ठीक। सर्व जनतवा केन दुष्यंती, तो सर्व जनतवा प्रिय वाक्य प्रदानी तुष्यंती, और कु दरिद्र न भवति, तो यहाँ पर हो जाएगा बचने का दरिद्र,
कुत्र तो बचने दरिद्र ना भवति, इतना लिख के कंप्लीट करना है। समझ गए ना? देखो भाई, मुझे जो किताब मिला था मैं दिखा दिया, लेकिन गलत था तो मैंने यहाँ पर भी सॉल्व करा दिया ताकि आप परेशान ना हो। आगे देखते हैं 20वां नंबर कहता है अधो लिखितानी नाट्यम पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। अब आपको नाटक पढ़ना है और इसका उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देना है, ठीक है। मल्लिका कुत्र गाता अस्ति, तो यहाँ पर आपको लिखना है, ये हो जाएगा धर्म यात्रा, ठीक। नेक्स्ट कहता है सर्वोमपि कहा परिपालयति, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है अहम सर्वोमपि पश्य पालयिष्यन्ति, ये लिखना है। नेक्स्ट कहता है चंद्रा नंदिनस्य समीपः कः गच्छति, तो इसका आंसर आपको लिखना है, यहां से हो जाएगा, वन सेकंड बेटा, दुग्धम, ये हो जाएगा, ये देखो स्त्र वेशम घृतम, ठीक है, दुग्ध पात्रम दनिष्यति समीपा गच्छति, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं इस प्रश्न को, ठीक। चलिए इस प्रकार से भी कंप्लीट होता है। हमारा 21 नंबर कहता है अधो लिखितम पठित्वा अपठित गद्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, ठीक। अब आपको प्रश्न का उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। कुत्र जनाः सुखम इच्छन्ति, तो संसारी जना हो जाएगा पहले का उत्तर। नेक्स्ट कहता है कस्तभ्यम प्राप्तम धनम विनाशकारः भवति, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है, ये वाला हो जाएगा आपका, ये चत्रेण कपटेन च प्राप्तम धनम विनाशकारः भवति, ठीक। नेक्स्ट कहता है आपका वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यत्र यत्र संतोषः वस्तुतः सुखम, ठीक। नेक्स्ट कहता है आपका अंतिम वाला कथाम धनोपार्जन आवश्यक भवति, तो इसका आंसर लिखना है आपको अतः धनोपार्जाया, ठीक। इसका आंसर आपको यहां से मैं टिक करा देता हूं। यहां से देखो अतः धनोपार्जाया अवश्य भवति यस्य यस्य पार्श्व धनम भवति सह सुखीन सरति, बस इतना लिख के आपको कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 22 कहता है स्वप्राचार्यस्य कृते शीर्षो वेदनम करणीनम दिन त्रयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम संस्कृत लिखत, मतलब आपको अवकाश का प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा में लिखना है, ये रहा आपके सामने, ये रहा बेटा, इस प्रकार से लिखना है। विषय में देख लो अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र महोदय में देखो सविनय नम्र निवेदन है कि यदा अहम अद्य सहसा ज्वर पीड़िता अस्मि अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थम अस्मि कृपया अद्यतः मम पंच दिवसन अवकाशम स्वीकृति, इतना लिख के आपको कंप्लीट कर रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है 23वां नंबर कहता है अधो लिखतेषु एक विषय स्वीकृति संस्कृत भाषा निबंधम लिखत। अब आपको किसी एक विषय पर संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। यहाँ पर दिया है पर्यावरण छात्र जीवनम संस्कृत भाषा महत्म और आपको दिया है परोपकार, तो हम दिखाएंगे संस्कृत भाषा महत्म, ये रहा आपके सामने, आप पूरा पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस प्रकार से पूरा पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं वीडियो कमेंट करता हूँ, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अब किस सब्जेक्ट का फुल सोल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना, फुल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा एक ही वीडियो में। ओके, बाय बाय।